नमस्कार, महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। उत्तरी राजस्थान के सभी जिलों में मेघों ने तांडव मचाया हुआ है। सभी जिलों में बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में लगभग 25 लोगों की जान बारिश की वजह से जा चुकी है। सोमवार को सुबह से ही जयपुर सहित प्रदेश भर में बारिश रौद्र रूप दिखा रही है। सवाई माधोपुर में पुलिस ने NDRF और स्थानीय ग्रामीणों के साथ 150 लोगों को बरसात के नाले से बचाया। सावन के महीने में प्रदेश पर इंद्रदेव की ज्यादा ही मेहरबानी देखी जा रही है। पूर्वी जिलों में बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में लगभग 25 लोगों की जान इसी बरसात के मौसम में चली गई है। ऐसा ही हादसा सवाई माधोपुर में होते होते बच गया। वहां पर पुलिस और NDRF ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब 150 लोगों की जान बचाई। MP के श्योपुर के रास्ते शिवपुरी और श्योपुर बड़ौदा जिले के सैकड़ों की संख्या में यात्री इन दिनों डिग्गी कल्याण जी और रामदेवरा पैदल जाते हैं। वो रात में रास्ते में बने हुए देवालयों में विश्राम करते हैं। ऐसे में यात्रियों ने कुशालीपुरा दर्रे से आगे जंगल में बालाजी की बगीची में रात को विश्राम किया था। तेज बारिश के चलते सुबह तक पास के नाले में ज्यादा पानी आ गया। उन्होंने पहले तो नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो जानलेवा लगी तो उन्होंने समझदारी और सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए सभी लोगों को बचा लिया। जी सर, आज यहाँ पे कुशालीपुरा में आपने रेस्क्यू ऑपरेशन करा, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे आप? ये क्या है, कलेक्टर साहब की तरफ से 2 दिन से ही हाई अलर्ट था बरसात का। उसके बाद में एक डिग्गी यात्री आए हुए थे जिन्होंने खाना बनवाया था जति धाम की तरफ, और बीच में से एक नाला बहता है बरसाती और वो उफान पे था, और उसमें से जो कुछ यात्री थे जो उधर की तरफ थे, दूसरी तरफ लगभग 150 यात्री थे, जिसमें SDRF टीम को बुला करके उनके साथ में मिलके और सबको रस्से से की सहायता से एक एक करके यात्रियों को बाहर निकाला गया सुरक्षित। कुछ यात्री अभी वहाँ हैं जो खाना वाना बना रहे हैं, वो जब पानी उतर जाएगा उसके बाद निकलेंगे। आज आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कितने यात्रियों को बचाया और क्या क्या आपने कार्रवाई की आज की? यहाँ 50 से 60 यात्री थे, उनके लिए डिप्टी महेंद्र शर्मा जी ने फ़ोन किया था कि वहाँ जति धाम आश्रम में 50 से 60 आदमी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ के जो थाना इंचार्ज थे वो भी यहाँ पे मिले, और उन्होंने हम सब ने मिल के और इन यात्री जो फंसे हुए थे उनको रस्सा बांध के और एक एक को पकड़ के निकाला है गोताखोरों की सहायता से। इसमें कोई दुर्घटना वगैरह की तो कोई आशंका नहीं है? आशंका तो थी लेकिन हो नहीं पाया ऐसा कुछ भी, मतलब अपने पास जो सामान पूरा था तो उसे तरीके से निकाले, मतलब एक एक को। प्रशासन ने भी आपकी मदद करी, चौकी इंचार्ज वगैरह ने? बिल्कुल, चौकी इंचार्ज ने काफ़ी मदद करी, वो साथ में थे हमारे रेस्क्यू को पूरे टाइम। जी सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम सर? मेरा देव अंश गुर्जर, सिविल डिफेंस इंचार्ज सवाई माधोपुर। थैंक यू। प्रदेश में इस समय तेज बारिश से हाल बेहाल है, कई जिलों में बाढ़ के हालात है। ऐसे में नदी नाले और पानी के बहाव वाली जगहों से दूर ही रहना चाहिए। इस मौसम में जरूरी हो तो ही आप घरों से बाहर जाए, साथ ही जान जोखिम में डालकर सेल्फी नहीं ले। सेल्फी और रील्स के चक्कर में प्रदेश भर में कई लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि एक कहावत है, जान है तो जहान है।